तो आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ यहाँ का ये बेहतरीन सनसेट फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन करते हैं कन्याकुमारी देवी टेंपल में और यहाँ से ब्लेसिंग्स लेने के बाद हम लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है लास्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। शुरू करते हैं फिर हमारी आज की ये खास वीडियो। हेलो एवरीवन, बैक अगेन। सुबह भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, तब वैसे धूप काफी हार्श थी क्योंकि 12:00 बज गए थे, धूप ठीक हमारे ऊपर थी। और मैंने सोचा क्योंकि सनसेट हो रहा है और शाम के टाइम में जो कलर है जो पानी का वो और क्लियर अच्छे से आप लोग अब सब देख सकते हो, तो मैंने सोचा फिर से यहाँ पे आता हूँ। मुझे पता है मेरी जो आवाज़ है वो क्लियरली नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ की जो विंड नॉइज़ है और जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग में भी हो सकती है, क्योंकि मैं कोई एक्सटर्नल माइक तो यूज़ नहीं कर रहा था और वही मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई थी। तो मैं आप सबको सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। और मैं आप सबको ये बहुत ही सुंदर व्यू दिखाने वाला हूँ कैसे शाम से रात होती है कन्याकुमारी में। सो दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। ये जो रेड फ्लैग आप सब मेरे पीछे देख रहे हो ये एंड पॉइंट है इंडिया का। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो आप सबको तो पता ही होगा दैट यहाँ पे आके आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो डिफरेंट शेड्स ऑफ वाटर, बिकॉज इंडिया को जो वाटर बॉडीज सराउंड करते हैं जो कि इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी है, उसके डिफरेंट कलर पैटर्न और कलर शेड्स आपको देखने को मिलते हैं और वही आपको शाम को आके और भी अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं आप सबको उसके बारे में बता रहा हूँ। गूगल मैप्स में भी मैंने अभी इसको वेरीफाई कर लिया है ऑफिशियली ये वो टिप है, एक्चुअल टिप है, जिसके पीछे फिर मतलब थोड़े थोड़े पत्थर वत्थर है, मतलब इसके बियॉन्ड आप टेक्निकली जा नहीं सकते हो। सो इट लुक्स प्रीटी स्पेक्टेकुलर एंड द सन इज सेटिंग राइट बिहाइंड अस ओवर देयर एंड आई थिंक इन अनदर 15 or 20 minutes द सन वुड सेट। और इतना सुंदर नज़ारा आपने मे भी देखा होगा, मैंने कभी नहीं देखा है। एंड वेरी लकी, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट मी एंड माई मॉम कुड मेक इट हियर। माई मॉम इज सिटिंग राइट देयर और काफ़ी अच्छा लग रहा है, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो मान लो ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। दिखा देता हूँ थोड़ा पानी अच्छे से, तो पूरी सही फील ले लो और इस वीडियो को लाइक करो जैसे ही इस वाले पॉइंट को आप देख रहे हो। पॉइंट पॉइंट इतना कर दिया, मेरा मतलब था इस पार्ट को आप जैसे ही देखते हो लाइक करो, ठोको लाइक जल्दी से। Just look at the view, simply outstanding। यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा लग रहा था, इतना पीसफुल था। बट अगर आप लोग नोटिस करते हो यहाँ का जो पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब काफी फ्लैट हो गया एंड पानी ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे अब आ चुका है जो कि दिन में देखने को नहीं मिल रहा था। तो तभी मैं आप सबको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा पहले इसकी जो पिछली वीडियो है उसको देख लो, फिर आपको और भी अच्छे से ये जगह समझ में आएगी। और कुछ ही देर में यहाँ पे होने वाला ये बेहतरीन सनसेट, तो बने रहो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक। एंड गाइस, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। मैंने सनराइज भी देख लिया कन्याकुमारी से, सनसेट भी देख लिया पानी से, मतलब ऊपर आया सनराइज, अब सनसेट हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शनल फीलिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वी आर एक्साइटेड। आज रात को हमारी रामेश्वरम के लिए ट्रेन है और जो लास्ट मोमेंट्स हमारे कन्याकुमारी में है। सो श्योरली ये है वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट एंड वी वर एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। तो हम अपने लास्ट फ्यू मोमेंट्स को यहाँ पे आके चेरिश कर रहे हैं और मेमोरीज बना रहे हैं एंड लिटरली वी वर लिविंग इन दिस मोमेंट। और आप धीरे धीरे देख सकते हो जो कलर स्कीम है कैसे कैसे वो चेंज होते जा रहा है, पानी का जो पैटर्न है, फ्लो है और जो करंट है बेसिकली वो कैसे चेंज होते जा रहा है मिनट बाय मिनट। हमारे इंडिया में ही इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, यूजुअली लोग अब्रॉड जाते हैं और आइलैंड वाले जगहों में घूमने जाते हैं, बट पहले अपने इंडिया को तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। सो तभी मैं आप सबको इंसिस्ट करूंगा एंड स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा दैट आप सब भी कन्याकुमारी में आओ और ये मैग्निफिसेंट सनसेट, सनराइज और हर एक व्यू को एक्सपीरियंस करो। और आप सब देख सकते हो धीरे धीरे सन नीचे हो रहा है।
और लोग काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे छोटा सा एक टाइम लैप्स और कैसे सन का कलर धीरे धीरे ऑरेंजिश और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चेंज होते जा रहे हैं। तो ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एवर सनसेट है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ सूरज पानी में ढल जा रहा है, मतलब डूब जा रहा है, और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको ये व्यू पसंद आया तो दोस्तों आपको पता है क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। और अब पूरी तरह से सनसेट हो गया है और ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, अभी शाम के 7 बजे। मेरी मम्मी हंस रही है मेरे व्लॉग सुन सुन के, उनको बहुत हंसी आ रही है। सो एनीवे, इस तरफ तो बहुत ज़्यादा वैसे अंधेरा हो गया है, खैर कैमरा से तो नहीं पता लग रहा क्योंकि कैमरा समाओ ब्राइट कर देता है फुटेज को। और वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहाँ पे लाइटें जल रही हैं। एंड बाय दिस टाइम पानी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि सनसेट अब हो चुका है और अब आप देख सकते हो जो करंट है पानी का वो कितना तेज़ हो गया था। कुछ एरिया में मुझे शांत लग रहा है, कहीं पे मेरे को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी लग रहा है। जैसे इस तरफ बहुत ज़्यादा मतलब पानी का मुझे फ्लो ऊपर भी लग रहा है, सुबह से फ्लो और करंट काफ़ी तेज़ है। अभी जैसे ये बड़े वाले पत्थर के पीछे अगर आप देखते हो, ये करंट जो है पानी का अभी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो फॉर ऑब्वियस रीजंस अब सनसेट हो चुका है। और क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर और जो भी डिवोशनल जगह हैं वहाँ पे फिर अभी शंख और घंटी और ये सब सुनाई दे रहा है, तो आई थिंक इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो ही जा रहा होगा। सो काफ़ी सुंदर मतलब यहाँ पे व्यू हो चुका है, मतलब इसमें फ़िल्टर विल्टर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरली इट्स जस्ट स्पेक्टेकुलर ब्रेथ टेकिंग। और मेरे ब्रेथ टेकिंग के साथ मेरे गॉगल्स उड़ ना जाए, तो मैंने सोचा दैट बिफोर इट गेट्स कम्प्लीटली डार्क, और ये कन्याकुमारी का हमारा मतलब इस ट्रिप का लास्ट डे है, इसके बाद मुझे नहीं पता हम कन्याकुमारी नेक्स्ट कब आएंगे, कैसे आएंगे या क्या प्लान होगा, तो मैं एवरी बिट जो है आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट इट एंड रिकॉर्ड इट, और इसको मैं फिर पोस्ट करूँगा शेयर करूँगा। जस्ट लुक एट द व्यू, सिंपली स्प्लेंडेड। इसको तो मतलब कुछ फिल्टर एडिट फिडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब नेचुरली जो हम वॉलपेपर्स देखते हैं वैसा व्यू है। और काफ़ी अच्छा हमें ये भी लग रहा है दैट हमें ये कॉर्नर मिल गया है, एंड यहाँ पे वैसे ज़्यादा लोग नहीं है, ऊपर ऊपर की तरफ है, पीछे तो हरिद्वार बना रखा है लोगों ने अच्छे से, नहा रहे हैं, ये डुबकियाँ लगा रहे हैं। और सो आई थिंक काफ़ी पानी आप लोगों ने देख लिया है सुबह से। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल एंड दिस पार्ट हियर। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी बट ऑफिशियली आई मीन जो सी साइड व्यू है हम कन्याकुमारी का, वो उसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। और रात को 10 बजे हमारी रामेश्वरम की ट्रेन है, मतलब सो जब हम निकलेंगे होटल से, सो वो मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं उसको एडिट करूँगा दैट हाउ टू रीच रामेश्वरम फ्रॉम कन्याकुमारी। और इधर काफ़ी विंडी है, सी ब्रीज आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे ये नहीं पता मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है कि नहीं, तो सेफ साइड के लिए मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। और बस बहुत और बोल के मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, सो आई विल एंड दिस पार्ट हियर। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग थ्रू आउट, आई मीन सुबह से मैंने फुटेज रिकॉर्ड करी आप सबके लिए और शाम का, और सनसेट भी ऑलमोस्ट हो ही है, सनसेट के व्यू आप लोगों ने देखे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना दैट आपको ये वीडियो कैसी लगी और फेवरेट मोमेंट क्या था आप सबका इस वीडियो का। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर। दिस इज़ मी प्रणॉय साइनिंग आउट फ्रॉम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, कन्याकुमारी। टेक केयर गाइस, बाय बाय।